अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कैलेंडर। तो लेट्स स्टार्ट। कैलेंडर, हम लोग को पता है कैलेंडर क्या होता है ना। तो पढ़ते हैं द बर्थ ऑफ अ कैलेंडर, ठीक है। व्हाट इज़ अ मंथ, मंथ क्या होता है, मंथ क्या है। व्हाई डू वी हैव 12 मंथ इन अ ईयर, ये क्वेश्चन कर रहा है कि 12 मंथ क्यों होता है, ठीक है, एक साल में 12 महीना क्यों होता है। एंड वाई डजंट ईच मंथ हैव द सेम नंबर ऑफ डेज, और हर एक महीना में सेम नंबर क्यों नहीं होता है। यानी कि जैसे हम लोग जानते हैं किसी किसी मंथ में 30 डेज होता है, किसी मंथ में 31 डेज होता है ना। तो हर एक मंथ में एग्जैक्ट सेम डेज क्यों नहीं होता, 30 डेज या फिर 31 डेज क्यों नहीं होता। तो द वर्ड मंथ कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड, ठीक है। वर्ड मंथ कहाँ से आ रहा है, मंथ का वर्ड कहाँ से आता है, ओल्ड इंग्लिश वर्ड से, जिसको बोला जाता है मोनथ, ठीक है। एंड मोनथ कम फ्रॉम मोना, और मोनथ कहाँ से आता है, मोना, ठीक है। विच मीन्स मून, उसका मतलब क्या होता है, मून। सो अ मंथ इज अ मून, तो मंथ क्या हो जाता है, मून, ठीक है। लॉन्ग अगो अ मंथ रियली वॉज अ मून, बहुत साल, बहुत बहुत टाइम पहले मंथ रियली वॉज अ मून। दैट अ मंथ was the time for a new moon add to the next, but 12 such moon add up only about 354 days, which is the time it takes the earth to go around the sun. To make the month the same number of days as the sun years, we have month of different length. It's regularly add up 365 days, theek hai, ek saal pe 365। एंड अ लीप ईयर कम्स टू 360 डेज, जब लीप ईयर आता है उस तब क्या हो जाता है, 366 डेज हो जाता है, ठीक है। जब लीप ईयर होता है तब 366 डेज हो जाता है। लीप ईयर कब बोलते हैं, जब 4 साल बाद 29th फेब हो जाता है, क्योंकि हमेशा देखते हैं 28th फेब तक ख़त्म हो जाता है, फिर जब 29th फेब होता है तो उसको लीप ईयर बोलते हैं, तब वो 366 डेज हो जाता है। इन दिस वे द मंथ कीप टाइम विद द सीजन्स, और इसी टाइम से सीजन के थ्रू जाता रहता है। नौ मंथ, देर आर 12 मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, ठीक है। दे आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 12 मंथ होते हैं। तो ये एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ। नौ, फरवरी अलोन हैज 28 डेज और 29 डेज, सिर्फ फरवरी एक ऐसा मंथ है पूरा 12 महीना में से सिर्फ फरवरी है जिसमें सिर्फ 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं, ठीक है। अदरवाइज सब में 30 या फिर 31 डेज होते हैं। तो 29 डेज कम्स वंस इन एवरी 4 ईयर्स एंड इट्स कॉल्ड अ लीप ईयर। 29 डेज कब होते हैं, जब 4 साल में एक बार 29 डेज होते हैं, अदरवाइज 3 साल 4 साल वो पूरा 28 डेज में जाते हैं, और जब 29 4 साल हो जाते तब वो 29 डेज होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। Divide the given year by 4, it is remained as 0. Then the year is called a leap year. Then February has 29 days. Example 2000 year. ठीक है, तो आप अगर इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए 0 आएगा। तो लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज, कितना होते हैं फरवरी में 29 डेज। तो ये पढ़ते हैं, 60 सेकेंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 मिनट। 60 सेकेंड्स जब हो जाते हैं तो क्या होता है, 1 मिनट। जब 60 मिनट्स होता है तो हो जाता है 1 आवर। 24 आवर्स होता है तो हो जाता है पूरा 1 डे। 7 डेज होता है 1 वीक। 4 वीक होता है 1 मंथ। एंड 12 मंथ होता है 1 ईयर। 365 डेज 1 ईयर। 52 वीक्स 1 ईयर। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ 30 डेज हैज सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। फरवरी हैज 28। All the rest have 31. When leap year comes 1 year in 4, it comes February 1 day more. ठीक है, जब leap year आता है तो एक दिन और बढ़ जाता है, otherwise February में क्या होता है, 28 days ही रहते हैं, ठीक है। Now see, January 31 days होता है, February 3-4 साल तक आपका वो
28 डेज होता है, फिर जब लीप ईयर होता है तो 29 डेज हो जाता है। मार्च 31, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो टोटल नंबर हो जाता है 365। जब यहाँ पे एक और ऐड होगा तो 366 डेज हो जाता है, यानी कि एक साल पे कितना दिन होता है, 365, यानी कि 365 डेज होता है। जब लीप ईयर जिस दिन जिस साल में लीप ईयर आ जाता है वो हो जाता है 366 डेज। थैंक यू।